Assalamu alaikum, I'm Riyaz Ahmed. Hopefully you all will be the best of your health. Dear students, continue करते हैं previous lectures से कि हमने जो शुरू किया है वो main जो tense है present का उसके हवाले से हमने शुरुआत की थी, जिसमें पहला lecture हुआ था simple present या present indefinite के हवाले से, फिर present continuous के हवाले से बात हुई, third पे हम आए थे present perfect के हवाले से, इसी मेन टू टेंस है प्रेजेंट का उसका लॉस्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में मैं बात करूंगा। तो इस मुख्तसर से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके रूल्स क्या है, उसके बनाने के रूल्स क्या है, क्या की पॉइंट्स हैं कि वो हमारे काम आते हैं, कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे बनाना होता है और फिर उसके यूज के बारे में मैं बात करूँगा। लेट अस कम टू द टॉपिक। तो रूल्स में पहले जो है यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। हमेशा इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट है प्लस ing राइटिंग, रीड प्लस ing रीडिंग, ठीक है। तो ये हमेशा आपके ज़हन में रखना है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस की बात है, हमेशा ing यहाँ पर इस्तेमाल होता है बेस फॉर्म के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। एलपी वर्ब्स के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन का इस्तेमाल हम करते हैं ही शी इट और मे, यानी वो हमारे पास प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर के लिए यूज किए जा रहे हैं। ही जैसे है, शी है या इट है, नेम से मुराद कोई सिंगुलर नाम की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शख्स है, चीज है, जगह की बात कर रहा हूँ। हैव बीन हम इस्तेमाल करते हैं यू बी दे और आई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिंगुलर भी आ जाता है, प्लूरल भी आ जाता है, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोनाउन, और प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दे और वी ये दोनों जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई बी देख लें ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नेम्स, नेम से मुराद एक से ज़्यादा लोगों की बात है, एक से ज़्यादा चीज़ों या जगह की बात है। तो आपको क्लियर हो गया है कि हैव बीन और हैव बीन को हम इस्तेमाल करते हैं किस नाउन के साथ और किन प्रोनाउंस के साथ। सिंस फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर हम जरूर करते हैं, सिंस जो है और फॉर, ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, ये याद रखें पॉइंट ऑफ टाइम, इसको उर्दू में कहते हैं मुतय्यन वक्त, ठीक है, एग्जैक्ट वक्त की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जुलाई, सिंस 2019, सिंस 4 o'clock, या जिसके साथ लास्ट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो जिसके साथ लास्ट आ जाए उसके साथ में सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख लें ये एग्जैक्ट बात कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुबह से, शाम से, जुलाई से, 2020 से, 4 बजे से, ठीक है, या आखिरी हफ्ता, आखिरी महीना, आखिरी दिन, ये सारा सेंस रहता है, ठीक। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पूरी में हम कहते हैं अरसा, मुद्दत, कितना अरसा, कितनी मुद्दत, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours 2 घंटों से, फॉर 3 months 3 महीनों से, फॉर 10 years 10 सालों से, फॉर सेवरल वीक्स कई हफ्तों से, फॉर मेनी ईयर्स कई सालों से, ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन दौरानिया अरसा की बात करता है। यूज के हवाले से इसका एक ही यूज है, फॉर एन एक्शन व्हिच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, ये ऐसा एक्शन है जो किसी वक्त में शुरू हुआ मास एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी तक वो कंटिन्यू है, माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, आगे पता नहीं कितने अरसे तक चलेगा। अगर आपको याद हो पहले परफेक्ट में भी हमने बात की थी कि सिंस फॉर वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये बात थी कि यहाँ दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में एक्शन जो है वो किसी वक्त पर माजी में शुरू हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो एक्शन माजी में शुरू होकर सिर्फ प्रेजेंट तक मौजूद रह जाता है, जिस वक्त बात की जा रही होती है उसी वक्त तक आकर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्शन जो है पास्ट में शुरू होकर लेकिन स्टिल कंटिन्यू अभी तक आगे जा रहा है, मतलब आगे कितना अरसे तक चलेगा, कितना मजीद ये वक्त लेगा,
देखिए एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ही हैव बीन वर्किंग इन दिस फॉरेन सिंस 2016. आप देख लें कि वो 2016 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा है. देखें एक्शन बिगेन एट सम टाइम, एट सम टाइम से पढ़ा गया था 2016. ठीक है, तो 2016 में वो पढ़ा रहा है इस कॉलेज में और अभी तक वो पढ़ा रहा है, स्टिल कंटिन्यू. आगे कितने तक पढ़ाएगा ये मालूम नहीं है. ठीक है, तो बात देख लें कि ये उसने पढ़ाना शुरू किया था 2016 में, स्टिल कंटिन्यू अभी तक पढ़ा रहा है. हो सकता है अब 2020 है, आगे तक भी जा रहा है, ये एक्शन आगे तक जाता है. वी हैव बीन वेटिंग फॉर इट सिंस मॉर्निंग. अब सुबह से उसका इंतजार कर रहे हैं, अभी शायद दोपहर है, शायद अब शाम हो गई है, रात हो गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सुबह से उसका इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं उसका इंतजार, स्टिल कंटिन्यूइंग. आगे पता नहीं कितना इनको इंतजार करना पड़ेगा. द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स. देख लें कि बच्चे जो है 3 घंटों से खेल रहे हैं, फॉर 3 आवर्स, लेकिन ड्यूरेशन की बात की जा रही है, 3 घंटों से अभी तक वो खेल रहे हैं, मजीद कितना खेलेंगे ये पता नहीं, स्टिल कंटिन्यूइंग. Have they been building the bridge since last month? मैंने ट्रांजिटिव बनाया कि क्या वो पिछले महीने से इस ब्रिज को तामीर कर रहे हैं. देखिए काम पिछले महीने से शुरू हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू है. ठीक है, गवर्नमेंट has not been implementing the policy for many years. यहाँ पर मैंने नेगेटिव एक जुमला बनाया है कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही इम्प्लीमेंटिंग. ठीक है, इम्प्लीमेंट प्लस आइन जी इम्प्लीमेंट, हम अंदर आमद करना द पॉलिसी, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी जनाब और बात की जा रही है कि कई सालों से उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा. ठीक है, मेनी ईयर्स यानी कई साल हो चुके हैं, अब पता नहीं कितने साल में, 2 साल है, 3 साल है, 10 साल है, वो यहाँ पर फिलहाल मैंशन नहीं है, लेकिन कई सालों से उस